गुड मॉर्निंग एवरीवन, अपना सीएमए फाउंडेशन का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे। प्रैक्टिस सेशन 3 हमने जॉइंट वेंचर तक कंप्लीट कर लिया था, बट कंसाइनमेंट वाला पार्ट हमने स्टार्ट नहीं किया था, या किया भी होगा तो एक क्वेश्चन करके छोड़ दिया था। आज हमारा मुद्दा रहेगा, सबसे पहले हम लोग कंसाइनमेंट वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, कंसाइनमेंट वाले पार्ट को। एंड कंसाइनमेंट वाला पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम लोग कॉस्टिंग वाले पार्ट में जाएंगे। आपका जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट का, पहला मॉक टेस्ट मैं 28 तारीख को लूंगा नवीन क्लासेस ऐप में, दूसरा मॉक टेस्ट 1 या 2 तारीख को रहेगा नवीन क्लासेस ऐप में, और तीसरा मॉक टेस्ट अगर आपकी आप सबने मिलकर दिया और मुझे लगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो मैं एक थर्ड मॉक टेस्ट आपके लिए और अरेंज करूंगा नवीन क्लासेस ऐप पर ही। तो अकाउंट की जैसे जैसे हम लोग प्रिपरेशन कंप्लीट कर रहे हैं, वीडियो रुक रहा है, हम लोग जैसे जैसे प्रिपरेशन कंप्लीट कर रहे हैं वैसे वैसे अपने को ट्राई करना है कि मॉक टेस्ट दे के अपने कंप्लीट कर दे। अब एक बार चेक करो, एक बार चेक करो, वीडियो रुकने की दिक्कत आ रही है, चेक कर लो। मैं वही बोल रहा था, मॉक टेस्ट हम लोग 28 तारीख 1 या 2 तारीख एंड थर्ड मॉक टेस्ट फाइनल मॉक टेस्ट आई विल बी कंडक्टिंग 1 or 2 डेज बिफोर एग्जाम, तो उससे आपका और अच्छा रोबस्ट प्रैक्टिस हो जाएगा। आज कंसाइनमेंट से हम लोगों को स्टार्ट करना है, तो लेट अस स्टार्ट द सेशन विद द कंसाइनमेंट वाला चैप्टर। एंड अब कंसाइनमेंट वाला चैप्टर, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास भी बोला था, जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट आर प्रैक्टिकल पोर्शंस, प्रैक्टिकल पोर्शंस, तो इनसे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कभी कभी साइज में बहुत बड़े होते हैं, बट अगर आप थोड़ा ध्यान से उनको पढ़ो तो इट कैन ईजिली बी सॉल्व विद इन अ मिनट। तरीका क्या होता है, हमेशा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पहले रीड करो एंड देन रीड द होल क्वेश्चन। तो प्लीज रीड द रिक्वायरमेंट फर्स्ट एंड देन गो फॉर द होल क्वेश्चन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है अब सारा स्क्रीन? फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स सेंड्स आउट गुड्स टू वाई कॉस्टिंग 360,000, गुड्स आर टू बी सोल्ड एट 25 कॉस्ट प्लस 25% ऑन सेल्स, 25% ऑन सेल्स। द कंसाइनर आस्क कंसाइनी टू पे एन एडवांस फॉर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 60% ऑफ सेल्स वैल्यू। कंसाइनर बोला कि तुमको जो गुड्स का टोटल सेल्स वैल्यू है उसका 60% एडवांस देना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ एडवांस विल बी, जो एडवांस का अमाउंट होगा वो कितना देगा कंसाइनी कंसाइनर को, अमाउंट ऑफ एडवांस कितना होगा जो कंसाइनर विल पे, कंसाइनी विल पे टू कंसाइनर, ये आपको कैलकुलेट करना है। हो सकता है ये लास्ट क्लास हो गया हो, बट डजंट मैटर, आपको वापस करना है। ब्लर है, आई एम चेकिंग द क्वालिटी। आप क्वेश्चन देखो, बात बाकी लोग आंसर आ रहा है, किसी का ए किसी का सी। मंथन ए, विकाश ए, शुभम ए। ओके, लेट अस चेक, दो आंसर है ए और सी बच्चों ने दिया है, लेट अस चेक। मेरे गुड्स का कॉस्ट है 360,000, प्रॉफिट है 25% ऑन सेल्स, ध्यान से कॉस्ट है 360,000, 360,000 इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट, और प्रॉफिट दिया हुआ है 25% ऑन सेल्स। तो मैं डायरेक्टली अगर 360,000 के ऊपर 25% ऐड करूंगा तो मैं कहीं ना कहीं गलत हो जाऊंगा, क्योंकि प्रॉफिट दिया है सेल्स के ऊपर जबकि मेरे पास यूनिट है कॉस्ट की, तो मेरे को पहले प्रॉफिट ऑन सेल्स को कन्वर्ट करना होगा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट में। अगर मैं सिंपल बात बोलूं,
प्रॉफिट ऑन सेल्स 1/4 है, प्रॉफिट ऑन सेल्स 1/4 है, तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना होगा, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना होगा, आंसर इज सर 1/3 होगा, क्योंकि ₹4 के सेल्स पे ₹1 का प्रॉफिट, ₹4 के सेल्स पे ₹1 का प्रॉफिट, तो सर कॉस्ट हो गया ₹3, तो प्रॉफिट इज 1/3 ऑन सेल्स। अब ध्यान से, जिन्होंने गलती की ध्यान से देखना, कॉस्ट है 360,000, कॉस्ट है 360,000, प्रॉफिट है 1/3 ऑन कॉस्ट। क्या हो गया इसको, ये लैटिन में क्यों चल रहा है, एक सेकेंड, ₹360,000 कॉस्ट, प्रॉफिट है 1/3 ऑन कॉस्ट, 1/3 ऑन कॉस्ट, अगर 1/3 प्रॉफिट है तो टोटल कितना प्रॉफिट हो गया, 1,20,000, तो टोटल सेल्स वैल्यू हो गया 4,80,000, टोटल सेल्स वैल्यू 4,80,000। अब 4,80,000 का 60% बोला है आपको एडवांस देना होगा, तो 4,80,000 का 60% होता है 2,88,000। जिन बच्चों ने 2,70,000 दिया, उन्होंने गलती क्या की, उन्होंने 3,60,000 के ऊपर सीधा 25% ऐड कर दिया, जबकि ये 25% ऑन कॉस्ट नहीं था, 25% ऑन सेल्स था। तो हमारा आंसर है 2,88,000 एंड नॉट 2,70,000। इज इट क्लियर, जिन्होंने गलती की, पॉइंट नंबर सी जिन्होंने आंसर किया, उदय गायत्री, क्या आपको ये वाला बात क्लियर है क्या, बाद में गायत्री ने चेंज कर लिया था आंसर, क्या ये बात क्लियर है क्या, थोड़ा ध्यान दे, 25% ऑन कॉस्ट नहीं था, 25% ऑन सेल्स था, और कंसाइनमेंट वगैरह टॉपिक में यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान, छोटी छोटी बातें। वीडियो अटक रहा है क्या, मेरे को लग रहा है वीडियो अटक रहा है, ये कुछ तो कंजर लोग लेट से ज्वाइन करता है ना, बेकार लोग, मतलब पढ़ने का जिनका इच्छा नहीं है, उनके कारण ये वीडियो ज्यादा अटकता है, ये कंजर लोग को इंटर ही नहीं करने देना चाहिए। अब किसी को इंटर नहीं करने दूंगा, अगर ग्रुप में मैसेज करे तो बोल देना सर सेशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, आई वोंट लेट एनीवन इंटर नाउ। अब देखो तो एक बार कैसा है, सीएमए स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, आलसी है, पढ़ना नहीं चाहते हैं, मतलब मैंने देखा है फाउंडेशन में तो पर्टिकुलरली सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स इतने चार्मिंग होते हैं, सीएमए वाले बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं बट पढ़ना ही नहीं चाहते, स्लो लथार्जिक, कुछ बच्चे बहुत अच्छे और कुछ बच्चे एकदम खत्म, मतलब वो लोग इसीलिए ज्वाइन करते हैं शायद कि यार चल कुछ ना कुछ तो करना है लाइफ में, तो एक ये ट्राई मार लेते हैं। आई डोंट लाइक दिस एटीट्यूड ऑफ सीएमए स्टूडेंट्स, अच्छा नहीं लगता है, मतलब पढ़ा के खराब लगता है आप लोगों को कभी कभी, तो डोंट, अब जो ज्वाइन लेट करेगा उसको मैं इंटर नहीं करने दूंगा। इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक व्हेन अ टीचर स्टार्ट टीचिंग एंड बीच में बच्चा आएगा, तो टीचर को बहुत प्रॉब्लम होता है, जैसे तुम्हारे पढ़ते पढ़ते अगर मैं गाने चला दूं बीच में, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। प्लीज डोंट इंटर लेट, इफ यू आर लेट डोंट ज्वाइन द क्लास, डू ऑन यूट्यूब, बिकॉज यू कैन डू ऑन यूट्यूब, तुम लोग वैसा ही है, तुम लोग को वही अच्छा लगता है, यू डोंट लाइक लाइव क्लासेस, तो थोड़ा सा मतलब एटीट्यूड चेंज करो, तरीका चेंज करो। 10:30 बजे मैंने बोला तो तुमको 10:20 पे रेडी होना होगा, मैं 10:20 पे रेडी नहीं होगा, तुम्हारा जरूरत है ये, मेरा जरूरत नहीं है, इट्स योर रिक्वायरमेंट, तो प्लीज मतलब इज्जत खराब मत करो अपने प्रोफेशन का, तुम लोग कुछ कुछ लोगों के कारण प्रोफेशन खराब होता है एंड फिर वो डीप डाउन सब में फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, बीच में कुछ लोग लीव करते हैं, मतलब किस तरीके के बेवकूफ लोग हो, मतलब हमको समझ में भी नहीं आता, दिस इज अ वेरी गंदा टाइप का जो लोग होते हैं ना, गंदे टाइप के क्राउड, दिस आर नो सेल्फ रेस्पेक्ट नथिंग, दे डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। पढ़ना है पूरा पढ़, नहीं पढ़ना है मत आ, वी डोंट नीड एनीवन। मैंने तो लिपिका और नेहा भी अगर हो तो मैं स्टार्ट कर सकता था, दे लिपिका ने मेरे को बोला सर कुछ करवा के दो, मैंने तो बोला अगर तुम लोग 2-3 जन भी है फटाफट स्टार्ट करो, तो मेरे को नहीं चाहिए वो 100-200 वो भिखारी टीचर्स अलग होते हैं, बट आई नीड स्टूडेंट हु इज एक्चुअली सीरियस,
एक्चुअली वॉन्ट्स टू स्टडी, अदरवाइज नहीं चाहिए। इतना खून जला के पढ़ाने का इच्छा नहीं है, पढ़ाने का मन से पढ़ाने का इच्छा है। अच्छे बच्चे होंगे तो पढ़ाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं पढ़ाएंगे। लीव करना है तो घुसा ही मत करो। जैसे एक बच्चा अपने आप निकल गया ना, एकदम बेस्ट है। डोंट वॉन्ट दो स्टूडेंट्स। गलती हो गया बात अलग है, अदरवाइज लीव कर देता है, घुसता है लीव कर देता है। हद बेवकूफ लोग है, ध्यान दीजिए इस बात पर। और अगर मैं लिटरली बोल रहा हूं, अगर मैंने बंद कर दिया तो मैं लिपिका और नेहा को सिर्फ टेस्ट देने दूंगा, बाद बाकी को मैं टेस्ट भी नहीं देने दूंगा। एंड आई हैव नो ऑब्लिगेशन फॉर एनीवन, नो ऑब्लिगेशन। मैं किसी के आगे मतलब किसी के ऊपर मैंने कोई कुछ लिया नहीं है आपसे, तो आई हैव नो ऑब्लिगेशन फॉर दैट। आई हैव जस्ट मोरल ऑब्लिगेशन टू डू इट, एंड माई मोरल ऑब्लिगेशन विल बी ओनली बी गिवन वेन यू आर मोरली गुड। इफ यू आर नॉट मोरली गुड, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू। तुम उस लायक ही नहीं हो कि तुम मेरे से पढ़ सको। एंड माई स्टैंडर्ड इज वेरी हाई। अगर आप इनसे नहीं पढ़े हो तो आप नहीं जानते हो, माई स्टैंडर्ड इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू वेयर यू हैव बिन नाउ। थोड़ा ध्यान दीजिए इन बातों पर, बीच में आना जाना बंद कीजिए, अदरवाइज किसी दिन गुस्सा आ जाएगा तो कोई फायदा नहीं है, आपका ही नुकसान होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं है सब में। आई हैव अ लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। मेरा इंटर लेवल का क्लासेस बहुत सारा काम है, बट टाइम निकालते हैं बिकॉज आई वॉन्ट कि आप अपना एग्जाम अच्छे से दे सको। क्वेश्चन 32, पढ़ेंगे आंसर करेंगे। मैं आपको आंसर नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको आंसर नहीं दिखाऊंगा, आपको खुद से आंसर करना है। कमीशन कैलकुलेट करना है, हमेशा लास्ट लाइन पहले पढ़ो, कमीशन कैलकुलेट करना है। ब्लर क्यों हो रहा है, दो आंसर आया। दस हजार एक सौ ग्यारह हजार चार सौ। मेरे को सारे बच्चों के आंसर चाहिए। कॉस्ट है गुड्स का 1,25,000 एट 25% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस, 25% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस। 3/4 ऑफ द गुड्स वेयर सोल्ड फॉर 176। ओके, कमीशन 5% अप टू इनवॉइस वैल्यू एंड 10% ऑफ एनी सरप्लस अबव इनवॉइस वैल्यू। 10,100। दो आंसर आ रहे हैं, 10,100, 11,400। मेरे को लगता है वापस 25% वाले चीज का गलती कर रहे हो आप। 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट नहीं है, इनवॉइस प्राइस है, इसीलिए शायद दो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। अभिनय बोल रहा है 7,500 प्लस 2,600। ओके अभिनय, चेक करता हूं। अभी भी बच्चों के आंसर आने बाकी है, आई एम वेटिंग फॉर दी आंसर्स। अनिकेत 10,100। अभिनय तेरा आंसर आ गया रे, बार बार मत लिखे की चीज। शुभम 10,100, शुभम तेरा पहले आ चुका था। भारती 10,100। ओके, लेट्स सी दी ऑप्शंस। 10,100, 11,975, 10,578.75, 9,350। तो 11,400 ऑप्शन ही नहीं है। जिन्होंने आंसर दिया उन्होंने क्या गलती की है, प्लीज चेक करें वापस एक बार वापस आप खुद से चेक करो, फिर मैं करवा देता हूं। जिनका 11,400 आंसर था, सिमरन आप चेक करो, मंथन आप चेक करो।
डेढ़ लाख रुपए का कॉस्ट है, 1/4 प्रॉफिट है इनवॉइस प्राइस पर। अगर इनवॉइस प्राइस पर 1/4 है तो कॉस्ट पे कितना, 1/3। तो अगर मैं तुमको बोलूं मेरे टोटल इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है, टोटल, तो 150 प्लस 1/3 प्रॉफिट, 1/3 प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 50, टोटल हो गया 2 लाख रुपए का इनवॉइस वैल्यू। मेरा टोटल गुड्स का इनवॉइस वैल्यू 2 लाख, 1.5 लाख प्लस 1/3 प्रॉफिट, 1/3 प्रॉफिट 2 लाख। अब 2 लाख में 3/4 गुड हमने सेल किया, 3/4 गुड्स हमने सेल किया, 3/4 होता है 1.5 लाख। जो गुड्स सेल किया उसका इनवॉइस वैल्यू 1.5 लाख। अब ध्यान से बोला, इनवॉइस वैल्यू के ऊपर 5% कमीशन, जो आपने गुड्स बेचा उसका इनवॉइस वैल्यू के ऊपर 5% कमीशन, तो 1.5 लाख के ऊपर 5%, जो अभिनय ने कहा 7,500, वेरी गुड। और उसके ऊपर जितना में बेचोगे उसके ऊपर 10%, 1.5 लाख से ऊपर कितना में बेचा, 26,000, क्योंकि 176 इज द एक्चुअल सेलिंग प्राइस, तो 26,000 पे 10%। आप दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट योर आंसर 10,100। आप दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट योर आंसर 10,100। एक बार चेक करो सॉल्यूशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन चेक कर लो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इंटरनेट का यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, या तो मैं बंद करके वापस ज्वाइन कर लेता हूं एक बार, वो अगर ब्लर होके ठीक हो रहा है मतलब तुम लोग के वहां इंटरनेट का इश्यू है। डन, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? तो सही आंसर है 10,100। पंथन और सिमरन दोनों को क्लियर है बात? पंथन सिमरन और बात बाकी जिन्होंने 10,100 दिया बिना क्वेश्चन का आंसर देखे, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 33। अच्छा क्वेश्चन है, ऑन रिसीट ऑफ गुड्स फ्रॉम कंसाइनर, कंसाइनर से जब गुड्स मिलता है, कंसाइनी डेबिट्स विच ऑफ दीज अकाउंट्स, कंसाइनी अपने बुक्स में किस अकाउंट को डेबिट करता है, कंसाइनी अपने बुक्स में किस अकाउंट को डेबिट करता है, कंसाइनी अपने बुक्स में किस अकाउंट को डेबिट करता है। आप लोग सबने आंसर दिया डी, नन ऑफ दी अबव, वेरी 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 गुड। जब कंसाइनी को गुड्स रिसीव होगा, कंसाइनी किसी अकाउंट में डेबिट नहीं करेगा, कंसाइनी उसकी एंट्री पास ही नहीं करेगा, क्योंकि इस गुड्स की ओनरशिप उसकी नहीं है, कंसाइनर की है, तो वो ये गुड्स को अपना गुड्स बोल के रिकॉर्ड नहीं कर सकता। वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन 34, कंसाइनमेंट अकाउंट इज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, कौन से बेसिस पर हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, कैश बेसिस, रियलाइजेशन बेसिस, अक्रूअल बेसिस, नन ऑफ दी अबव, कैश, रियलाइजेशन, अक्रूअल, नन ऑफ दी अबव। सारे बच्चों ने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया थ्योरी क्वेश्चन का, अक्रूअल बेसिस। कंसाइनमेंट में हम लोग अक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं, ज्वाइंट वेंचर में हम लोग लिक्विडेशन बेसिस, रियलाइजेशन बेसिस फॉलो करते हैं, बट कंसाइनमेंट में अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो नॉर्मल फॉलो करते हैं वही यहां पे भी फॉलो किया जाता है। वेरी गुड, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ध्यान से, डेल क्रेडर कमीशन इन कंसाइनमेंट बिजनेस इज जनरली पेएबल ऑन, डेल क्रेडर कमीशन किस पर पे किया जाता है, टोटल सेल्स, क्रेडिट सेल्स, अदर देन क्रेडिट सेल्स, नन ऑफ दी अबव, टोटल सेल्स, क्रेडिट सेल्स, अदर देन क्रेडिट सेल्स, नन ऑफ दी अबव। दो आंसर आ रहे हैं मेरे पास, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं। देखो मैं तुमको एक बात बहुत क्लियर कर दूं, डेल क्रेडर कमीशन दिया जाता है क्रेडिट सेल्स को, क्रेडिट सेल्स को इनहेंस करने के लिए, और क्रेडिट सेल्स करने के बाद उसका पैसा कलेक्शन ताकि वो करके लाए कंसाइनी, उसके लिए हम लोग डेल क्रेडर कमीशन पेमेंट करते हैं। बट जरूरी नहीं है अगर क्रेडिट सेल्स के लिए है तो ये हमेशा क्रेडिट सेल्स पर ही कैलकुलेट हो। रूल क्या बोलता है, अगर आपने कंसाइनमेंट के अग्रीमेंट में लिखवा लिया है बेसिस तो उस बेसिस पे पेमेंट होगा, बट अगर कंसाइनमेंट के अग्रीमेंट में कोई बेसिस नहीं लिखा है तो हमेशा टोटल सेल्स पर पे होगा हर कमीशन, चाहे वो ऑर्डिनरी कमीशन हो चाहे वो डेल क्रेडर कमीशन हो। तो प्लीज आप अपना आंसर थोड़ा चेंज करें जिन्होंने बी बोला,
बेल क्रेडिट कमीशन अनलेस अदरवाइज सेड विल बी पेबल ऑन टोटल सेल्स, अगर बोल दिया अग्रीमेंट में कि क्रेडिट सेल्स है फिर तो क्रेडिट सेल्स, अदरवाइज हमेशा टोटल सेल्स पे पेमेंट होगा। तो जिन्होंने बी आंसर किया है लाइक अभिनय, वो तो बहुत बड़ा बड़ा बी लिख रहा था अभिनय, डोंट डू नुइसेंस, आज मन ठीक नहीं है, गुस्सा कर दूंगा बेकार का। विकास आपने जो बी लिखा है वो आंसर में थोड़ा चेंज करना है, अगर कुछ नहीं बोला हुआ रहेगा तो दिस विल बी पेबल ऑन टोटल सेल्स, अगर अग्रीमेंट बोल देगा तो दिस विल बी पेबल एज पर अग्रीमेंट, देन है बात ठीक। आगे चलते हैं, तो जिन्होंने बी किया है वो प्लीज इसको चेंज करें, जिन्होंने बी किया है वो प्लीज इसको चेंज करेंगे आगे। नेक्स्ट, एबनॉर्मल लॉस ऑन कंसाइनमेंट, अगर कंसाइनमेंट में कोई एबनॉर्मल लॉस हो जाए स्टॉक का तो वो किस अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्रेडिट पूछा है, पीएल में, कंसाइनी अकाउंट में, कंसाइनमेंट अकाउंट में, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट में, किस अकाउंट में क्रेडिट होगा एबनॉर्मल लॉस। बिल्कुल करेक्ट, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे हम लोग एबनॉर्मल लॉस को, फिर जो इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा उसके बाद जो नेट लॉस बचेगा वो पीएल में जाके डेबिट होगा, तो क्रेडिट होगा हमेशा कंसाइनमेंट अकाउंट में, फिर नेट लॉस डेबिट होगा पीएल अकाउंट में। वेरी गुड, करेक्ट है आप। क्वेश्चन 37, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज ऑफ द नेचर, कौन से नेचर का है ये अकाउंट, पर्सनल, नॉमिनल, रियल, नन ऑफ द अबव या सेल्स अकाउंट। गुड सेल्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का नेचर क्या है, वेरी गुड, थ्योरी क्वेश्चंस में आप लोग बिल्कुल अच्छे से आंसर कर रहे हैं, मैंने यही चीज फर्स्ट क्लास में समझाया था जब आपने मेरे से पूछा था सर पेपर पूरा अटेंड हो पाएगा कि नहीं, मैंने बोला यार थ्योरी क्वेश्चंस भी रहेंगे पेपर में, आएगा तो एक सेकंड भी नहीं लगेगा सही आंसर करने में, जो आप कर रहे हैं वो आप प्रैक्टिकली समझो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में टाइम लेना हड़बड़ाना मत। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है सी, रियल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 38, गुड्स ऑफ द इनवॉइस वैल्यू 240,000 सेंट आउट टू कंसाइनी एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, हड़बड़ी नहीं, इनवॉइस वैल्यू 240, प्रॉफिट एट 20% ऑन कॉस्ट, लोडिंग का अमाउंट क्या होगा, लोडिंग का अमाउंट अभिनय टोटल सेल्स पर दिया जाएगा, डेल क्रेडर कमीशन, सारे बच्चे बोल रहे हैं 40, एक दो बच्चे ने 48 भी बोला है, गायत्री और सर्वेश, गायत्री और सर्वेश 48, इतना समझाने के बाद भी गायत्री और सर्वेश आप गलती कर रहे हैं, आप परसेंटेजेस चेक ही नहीं कर रहे किसके ऊपर परसेंटेज दिया गया है, प्लीज चेक करें गायत्री और सर्वेश दोनों, यही एग्जाम में आपको कम मार्क्स दिलाएगा अगर आप ये हड़बड़ी करेंगे तो, परसेंटेजेस चेक करो। सिमरन ने कहा 240 का 1/6, 1/6 कैसे सर, 1/5 ऑन कॉस्ट है, और सर ये जो वैल्यू है ये इनवॉइस वैल्यू है, तो सर 1/5 ऑन कॉस्ट है तो 1/6 ऑन इनवॉइस वैल्यू, 1/6 ऑन इनवॉइस वैल्यू, तो सर 240,000 का 1/6 40,000 आंसर होना चाहिए, आपके ऑप्शंस है 40, 48, 50, नन ऑफ द अबव, एंड सही आंसर है 40,000। अब देख प्रॉब्लम क्या होगा, गायत्री और सर्वेश समझे आप, आपको आंसर बी 48 भी दिया हुआ था, आप एग्जाम में हड़बड़ी करेंगे, बी टिक करेंगे और आंसर रॉन्ग हो जाएगा, तो प्लीज परसेंटेज जब भी दे प्रॉफिट का उसको बहुत अच्छे से पढ़े, मैं हर क्वेश्चन में यही बोल रहा हूं कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ध्यान से पढ़ो, वो किसके ऊपर दिया हुआ है, अदरवाइज गलती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, विच ऑफ दीज इज आर रेकरिंग या इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कौन सा खर्चा रेकरिंग या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कंसाइनी दो टाइप के खर्चे करता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कौन सा इनडायरेक्ट खर्चा है, इनडायरेक्ट। अभी ना स्टडी मैट में कुछ आंसर गलत हो सकते हैं, आप जब एमसीक्यू में देखोगे तो आंसर कुछ और दिया हुआ है, तो प्लीज उससे ज्यादा आप अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। सारे बच्चों ने बोला सर डी है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वेरी करेक्ट, गोडाउन रेंट इंश्योरेंस, ये इन्वेंट्री को लोकेशन कंडीशन लाने के बाद का खर्चा है, तो दिस इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड विल नॉट बी इंक्लूडेड एज अ कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 40, बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, प्लीज लास्ट लाइन पढ़े पहले, बड़ा क्वेश्चन है, प्लीज लास्ट लाइन पढ़े पहले, क्या निकालने बोला है,
प्रॉफिट बोला है निकाल ले, आपके सामने ऑप्शंस ये रहे, आपको खुद से ट्राई करना है। आपको खुद से ट्राई करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। मैं बाहुबली हट जाता हूं स्क्रीन से। सबसे सिंपल तरीका होता है, सबसे सिंपल तरीका, एक टी फॉर्म में कंसाइनमेंट अकाउंट बना लो। खर्चास ऑन दी डेबिट साइड, इनकम ऑन दी क्रेडिट साइड, सिर्फ एक चीज वैल्यू करना है, क्लोजिंग स्टॉक। सिर्फ एक चीज का वैल्यूएशन पे ध्यान देना है, क्लोजिंग स्टॉक। आपका आंसर निकल जाएगा। ध्रुव का आंसर आया है बी, एक आंसर मिला है अभी मेरे को बी। अभिनय का आंसर आया है ए। सिर्फ एक जगह पे काम करना है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन, वो कर लिया तो प्रॉफिट निकल जाएगा। बाद बाकी देखो मैंने कितना सिंपली क्वेश्चन जो बोलते गया मैं सिर्फ लिखते गया डेबिट और क्रेडिट साइड में। हमेशा इस तरीके से कर सकते हो बड़े क्वेश्चन को, पहले लास्ट लाइन पढ़ा फिर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप अपना जो काम करना है वो करते जाओ। क्लोजिंग स्टॉक अभिनय बोल रहा है 21142140 चेक कर लेता हूं। 40 मशीन्स है, पहले तो वो प्राइस हो गया 500, ठीक है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 200 400 600 600, मतलब 3600 का खर्चा है 100 मशीन पे, तो 40 मशीन पे कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। 3600 × 100 × 40 + 20,000 21440, वेरी गुड अभिनय, वेरी गुड। तो अब आप माइनस कर लो और आप अपना आंसर चेक करो। आंसर है ए 6820। सारे बच्चे ने ऑलमोस्ट आंसर सही दिया है एक्सेप्ट ध्रुव, बाकी सारे ही बच्चों का आंसर करेक्ट है। क्या आपको ये कंसाइनमेंट अकाउंट का तरीका समझ में आया?
आपको कुछ नहीं लिखना है, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू कैश, कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ डेबिट साइड में खर्चे, क्रेडिट साइड में सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, फटाफट आंसर। और ये करने का रीजन मैं बता दूं, गलतियां अवॉइड होती है, सिली मिस्टेक अवॉइड होता है। कैलकुलेटर में बहुत बार कैलकुलेट करते करते कोई गलत बटन दब जाना, कुछ भी हो सकता है। तो ऑलवेज अगर आप लिख के करोगे ना, रफ में लिख के, तो इट विल बी ऑलवेज इजियर एंड ऑलवेज मोर एक्यूरेट देन दी नॉर्मल कॉन्सेप्ट। तो प्लीज आप इस तरीके से एग्जाम में चीजों को आंसर करें, प्लीज इस तरीके से एग्जाम में चीजों को आंसर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वापस प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट वापस आप ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। ऑप्शंस दिखा देता हूं, आप खुद से ट्राई कीजिए, वही कंसाइनमेंट अकाउंट बना के। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी आप चाहो तो एक मिनट में सॉल्व कर सकते हो, बट आपको कोई हड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं है। लास्ट लाइन पढ़ा, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना शुरू कर दिया, शुरू से पढ़ के पढ़ते पढ़ते बनाओगे, इट विल बी मच फास्टर। अभिनय, थोड़ा सा इंटरनेट तेरा ठीक होते ही वापस ठीक हो जाएगा, एक सेकंड का बात है, वो इंटरनेट का स्पीड फ्लक्चुएट करता है इसीलिए प्रॉब्लम होता है। मैं एक बार देख लेता हूं, तो भी आप लोग ट्राई करें। मैंने एक बार रीएडजस्ट किया है क्वालिटी को, प्लीज चेक कर लो। वो होता है थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यूज के कारण होता है, आई कांट ब्लेम यू, यू कांट ब्लेम मी, बट होता है वो इंटरनेट इश्यूज के कारण ब्लर होता है। इंडिया में अभी इंटरनेट सर्विस उतनी अच्छी नहीं है जितनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में है, विच आर एज गुड एज इंडिया, बिकॉज ऑफ मोर कंजम्पशन, मोर पॉपुलेशन, इतना ज्यादा कंजम्पशन है कि वो बैंडविड्थ सब में बट जाती है, इसीलिए सबको स्पीड नहीं मिलती है। आया नहीं आंसर अभी तक। इस क्वेश्चन में कमीशन थोड़ा कैलकुलेट करना है और क्लोजिंग स्टॉक, प्रॉफिट निकल जाएगा। और कमीशन में भी कोई तोड़मोड़ चीज नहीं है, सिंपल है। और एग्जाम में तुमको पता है ये कंसाइनमेंट के क्वेश्चन से तीन तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है इतना बड़ा क्वेश्चन देके सिर्फ बोल दे कमीशन निकालो, हो सकता है इतना बड़ा क्वेश्चन देके सिर्फ बोल दे क्लोजिंग स्टॉक निकालो, हो सकता है फाइनली बोल दे प्रॉफिट निकाल दो। तो प्रॉफिट निकालना मतलब आप कमीशन भी कैलकुलेट कर रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक भी कैलकुलेट कर रहे हो, फिर प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो, तो तीन तीन चीजें आप साइमल्टेनियसली कर रहे हो। और एग्जाम में वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, इसीलिए लास्ट लाइन पढ़ने के बाद क्वेश्चन को फुल रीड करना चाहिए। तो आप लोग ये क्वेश्चन कर रहे होंगे कंसाइनमेंट अकाउंट बना के, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएंगे खर्चे। पहला खर्चा जो गुड्स भेजा उसका कॉस्ट 600 इंटू 300, 1,80,000। फिर 6,000 का फ्रेट, 1,500 का ऑक्ट्रॉय, 2,000 का रेंट, 1,500 का इंश्योरेंस। रेंट और इंश्योरेंस इनडायरेक्ट खर्चे हैं, क्लोजिंग स्टॉक में मत लेना। लिपिका का आंसर आया है 12,250, ओके चेक। सेल्स हुआ है 500 फैन का, 1,80,000।
कमीशन बोला 350 रुपए तक 4%, उसके ऊपर 20%। एक बार मैं देखूं तो कितने में बिका है, 1,80,000 बाई 500, 360 रुपए में बिका है, 360 में। बोला 350 रुपए तक 4% देंगे, उसके ऊपर 10 रुपया जो एक्स्ट्रा बेचा है उसके ऊपर 20% देंगे। तो अगर मैं कमीशन कैलकुलेट करूं 500 × 350 × 4% एम प्लस, 500 × 350 × 4% एम प्लस 7,000 रुपया। सॉरी मेरा आंसर गलती से क्लिक हो गया, 7,000 रुपया। और 10 रुपए पर 500 × 10 रुपया एक्स्ट्रा इंटू 20% एम प्लस, टोटल कमीशन आ रहा है 8,000। क्या कमीशन सबका 8,000 आ रहा है? कमीशन 350 रुपए तक 4%, तो 500 × 350 × 4%। फिर जो 10 रुपया एक्स्ट्रा पे बेचा, सर 10 रुपया आपको कैसे पता? 1,80,000 में बिका है ना 500 यूनिट, तो ऑन एन एवरेज 360 रुपए पे पर यूनिट बिका है, तो 360 × 350 डिफरेंस एक्स्ट्रा कितना है? 10 रुपया। वही अपने को करना है, उस 10 रुपया का 20% यानी 2 रुपया करके और देंगे, तो ये आपका कमीशन निकल गया। अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक 100 यूनिट्स। अगर कोई बच्चा थोड़ा फास्ट करना चाहे, ये सारे तीनों डायरेक्ट खर्चों को जोड़ लो, 1,80,000 प्लस 6,000 प्लस 1,500 डिवाइडेड बाय 600 × 100, ये आ गया 31,250 डिवाइडेड बाय 600 × 100, 1,87,500 बाय 600 × 100। रेंट और इंश्योरेंस का खर्चा नहीं आएगा, रेंट और इंश्योरेंस का खर्चा नहीं आएगा क्लोजिंग स्टॉक में। अभिनय बोल रहा है 15480 कमीशन, अभिनय एक बार चेक कर, 840 वो नहीं है कमीशन, गलती किया है तुम। तो ये निकल गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक, तो डिफरेंस आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो आप लोग, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, 12,250 आंसर आएगा, 12,250। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम है, बस लास्ट क्वेश्चन में कमीशन वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड 6% ऑन सेल्स, यहां पे दो पार्ट में है, 5% ऑन 350, उसके ऊपर 20%। प्लीज चेक कर लो, और इस तरीके से बनाएंगे तो मेरे हिसाब से एग्जाम में गलतियां नहीं होगी। हो सकता है आपका 1 मिनट की जगह 2 मिनट लग जाए, बट डजंट मैटर, थ्योरी क्वेश्चन में हम लोग टाइम बचाएंगे, भर भर के टाइम बचाएंगे। 12,250, अभिनय एक बार चेक कर ले क्या गलती हुआ, यस और नो बोल दो ताकि मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आराम से, हड़बड़ी नहीं, लास्ट लाइन पढ़ेंगे, मैं आपके ऑप्शंस दे दे रहा हूं। अमाउंट ऑफ ड्राफ्ट निकालना है, ड्राफ्ट एक्चुअली निकालना क्या है पता है, रेमिटेंस, कंसाइनी कंसाइनर को बचे हुए पैसे वापस करता है, तो आपको यह कैलकुलेट करना है कंसाइनी एंड में कितना रुपया कंसाइनर को देगा। बोला ये पैसा हमने ड्राफ्ट के थ्रू रेमिट किया है, बोला उस अमाउंट ऑफ ड्राफ्ट बताओ, यानी रेमिटेंस पूछ रहा है आपसे, रेमिटेंस, हमको कंसाइनी से कितना रुपया लेना है, हमको कंसाइनी से कितना रुपया लेना है, ये पूछ रहा है आपसे। रेमिटेंस का एक शॉर्टकट सिखाया करता था, शॉर्टकट देखूं किसको याद है, रेमिटेंस का शॉर्टकट, कंसाइनी मेरे को कितना रुपया देगा, कंसाइनी मेरे को कितना रुपया देगा, उसका शॉर्टकट। शॉर्टकट मैं लिख रहा हूं, शायद आपको याद आ जाए, सेल्स
जितना रुपया उसको मिला है कंसाइनी को हमारे बिहाफ में, माइनस उसका एक्सपेंस, माइनस उसका कमीशन, माइनस अगर कोई एडवांस वो दिया है, ये चार चीज आपको खोजना है। उसके पास हमारा कितना रुपया आया, उससे वो अपना खर्चा काटेगा, उससे वो अपना कमीशन काटेगा, उससे वो अगर कोई एडवांस दिया है तो एडजस्ट करेगा, और बैलेंस पैसा हमको रेबिट करेगा। ये सबसे शॉर्ट तरीका है कैलकुलेशन का। अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है रेमिटेंस में, ये शॉर्ट तरीका है। मेरे कितने पैसे उसके पास बाकी है, तो मेरा जितना पैसा आया माइनस उसका एक्सपेंस माइनस कमीशन माइनस एडवांस। बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया बी 4480, आ जाएगा स्क्रीन, कहीं नहीं जाएगा। सबका आंसर आ रहा है बी। चेक करते हैं, सेल्स करके कितना रुपया आया एक बार खोजो तो। सेल्स करके कितना रुपया आया उसके पास, 8350। उसका एक्सपेंस और कमीशन, एक्सपेंस और कमीशन टोटल दे दिया 870, ठीक है। वो एक एडवांस भी दिया था 3000 रुपए का, सर 3000 में 2960, वो तो तुमने डिस्काउंट कराया, उसने तो तुम्हें 3000 का बिल दिया था ना, तो उसने तुमको 3000 का बिल दिया था तो उसका एडवांस 3000 का ही है। तो मेरा आंसर हो गया 8350 माइनस 870 माइनस 3000 विच इज 4480 विच इज 4480। क्या ये तरीका सबको समझ आता है? सबसे इजी तरीका है रेमिटेंस निकालने का। कंसाइनमेंट में रेमिटेंस इज वेरी सिंपल। टोटल जो पैसा उसके पास आया माइनस उसका एक्सपेंस माइनस उसका कमीशन माइनस एडवांस, ठीक है। ये आंसर आ गया बी 4480। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। प्रीवियस क्वेश्चन का पिक लेना था, एक सेकेंड। ये ले ले, फटाफट ले ले। आगे चलूं अभी ना? चलिए, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले लास्ट लाइन पढ़ना चाहिए हमेशा, पहले लास्ट लाइन पढ़ना चाहिए हमेशा। पहले हमेशा लास्ट लाइन पढ़ना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक। और इस क्वेश्चन का खास बात है, कुछ लॉस हुआ है वेइंग हैंडलिंग के कारण। फ्लोर है फ्लोर, मैदा मैदा उड़ जाता है हवा में, आटा है उड़ जाता है हवा में। ये जो वेइंग हैंडलिंग का लॉस है, पता है इसको क्या लॉस बोलते हैं हम लोग? ये होना ही है, ये होना ही है, नॉर्मल लॉस, नेचर ऑफ प्रोडक्ट के कारण हो रहा है। अब आपको स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है। नॉर्मल लॉस का फॉर्मूला आपको याद होगा शायद, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, ये रिवीजन करवा रहा हूं। टोटल कॉस्ट बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। आपको बताना है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या बचेगा।
ध्रुव का आंसर आया है ए 252.99 इज 253. ओके आंसर्स नहीं आ रहे हैं. दो चीज निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स और कॉस्ट पर यूनिट. क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स और कॉस्ट पर यूनिट. टोटल 1500 केजी ऑफ फ्लोर था. टोटल 1500, 5% नुकसान हो गया, 5% हो गया 75. 1350 बेच दिया तो क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स कितना बचेगा? 75 केजीज. ये क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स 75 केजीज. अब मेरे को कॉस्ट पर यूनिट निकालना है. कॉस्ट पर यूनिट का नॉर्मल लॉस में फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट है 4500 प्लस 307. ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, कॉस्ट का पार्ट है, सेलिंग एक्सपेंस नहीं आएगा. डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स. टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स. ये आ गया 3.3733. ये पर केजी का कॉस्ट आ गया 3.3733. ये पर केजी का कॉस्ट आ गया. अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ यूनिट से तो मेरा आंसर आ रहा है 253. मेरा आंसर आ रहा है 253, विच इज पॉइंट नंबर ए. एक बार सारे बच्चे चेक करो, आपको क्यों टाइम लगा मेरे को ये समझ में नहीं आया. क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना क्वांटिटी है वो चेक करना है, क्या कॉस्ट है वो चेक करना है. तो क्वांटिटी निकल गया 75, कॉस्ट निकल गया 3.3733. नॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स कम करके कॉस्ट में इंक्लूड कर देते हैं. नंबर ऑफ यूनिट्स कम करके कॉस्ट में इंक्लूड कर देते हैं. ये फॉर्मूला जरूर आपने पढ़ा होगा और प्रैक्टिस भी किया होगा. टोटल कॉस्ट बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स. जिनको दिक्कत हुआ प्लीज स्क्रीनशॉट ले. ओके विकास, ए गुड. लिपिका, नेहा, सब लोग ए ही बोला. अभिनय भी ए बोला. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन 44. क्वेश्चन 44 आपकी स्क्रीन पर ये रहा. प्लीज लास्ट लाइन पहले पढ़े. 45 हो गया गलती से. प्लीज लास्ट लाइन पहले पढ़े. क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है. क्लोजिंग स्टॉक का ऑप्शंस ये रहे. सही हो जाएगा सिमरन, वो नेट के इश्यू के कारण हो रहा होगा. क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट करना है.
पहले यूनिट्स कैलकुलेट कर लो, यूनिट्स कितना है क्लोजिंग स्टॉक का, यूनिट्स कितना रेडियो बचा हुआ है, थ्री हंड्रेड, वेरी गुड। 900 उसको मिला था, 600 वो बेच दिया, 900 मिला था, 600 बेच दिया, 300 क्लोजिंग स्टॉक, वेरी गुड। लिख देता हूं जो आपने बोला वो लिख देता हूं, 300 रेडियोस, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक के कॉस्ट में क्या क्या आएगा वो देखते जाओ। ध्रुव का आंसर आया है बी, अभिनय का बी, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट में क्या क्या आएगा वो देखते जाओ। परचेज प्राइस, कंसाइनर का खर्चा, कंसाइनी का डायरेक्ट खर्चा, डायरेक्ट खर्चा, गायत्री, आयुष, उदय, तीनों बी, गुड। सर्वेश बहुत देर बाद आंसर किया बट बी बोला है, अनिकेत बी, सारे बच्चे बी बोल रहे हैं, गुड। चेक कर लेते हैं, परचेज प्राइस 300 × 70 21,000, कंसाइनर का खर्चा, कंसाइनर का खर्चा 750, 800, 250, 1050, कितनी यूनिट्स पे कंसाइनर का खर्चा, कितनी यूनिट्स पे, 1000 यूनिट्स पे, ये हो गया 315 कंसाइनी का खर्चा, बट डायरेक्ट एक्सपेंस, कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंस है 10,500, ये 10,000, ये 500, सेल्स एक्सपेंस नहीं आएगा। अब 10,500 कंसाइनी कितने यूनिट्स पर खर्चा किया, 900, जो कैच का चीज है वो ये है, कंसाइनी को तो 900 यूनिट ही मिला तो कंसाइनी का खर्चा 900 पे ही होगा, इंटू 300, 10,500 × 900 × 300, ये आ गया 3500, तो ये हो गया 24815, आपका आंसर बिल्कुल सही है बी, आपका आंसर बिल्कुल सही है बी। क्लोजिंग स्टॉक को निकालने का फॉर्मूला, परचेज प्राइस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ये 44 था, 45 क्या पूछ रहा है, हड़बड़ी नहीं। अमाउंट ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस, कंसाइनमेंट स्टॉक का बात कर रहा है, मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक ही पूछ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक कौन से प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस पे। आपके ऑप्शंस हैं 50, 900, 50, 800, 50,000, 51,000,
पहले क्वांटिटी चेक कर लो, क्वांटिटी। इंद्र ध्रुव का आंसर डी, श्रद्धा का भी डी, 51,000। इनवॉइस वैल्यू निकालना है मतलब 500 के ऊपर बात करना, कॉस्ट बोलता तो 400 के ऊपर बात करता, लोडिंग हो गया 100 रुपया। सारे ही बच्चे बोल रहे हैं 51,000। लेट्स चेक, 100 यूनिट बचा है, 500 था 400 बेच दिया, 100 बैग्स बचा है, तो 100 बैग्स इनटू 500 रुपया, सबसे पहले परचेज प्राइस 50,000, ये इनवॉइस वैल्यू पे। कंसाइनर का खर्चा 4,000 500 बैग्स पे, तो 100 बैग्स पे कितना, 800 रुपया। कंसाइनी का नॉन सेलिंग एक्सपेंस, नॉन सेलिंग 1,000, कितने बैग्स पे, 500 बैग्स पे, तो 100 बैग्स पे कितना, 200। ऐड कर दिया, आंसर आ गया 51। आप लोग सारे बच्चों का ही आंसर जो है करेक्ट है, 51,000 इज द करेक्ट आंसर, डी। गुड, इस बार इनवॉइस वैल्यू पे पूछ लिया कि आप इनवॉइस वैल्यू पे बताओ क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना होगा। डन, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 ये आप कर सकते हैं, सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, वही नॉर्मल लॉस वाला। 2 मिनट पहले फॉर्मूला बताया था, नॉर्मल लॉस टोटल कॉस्ट बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, 2 मिनट पहले हमने डिस्कस किया। सर्वेश बी, एक आंसर आया बी। नेहा सी, अभिनय बी, लिपिका बी, नेहा एक बार चेक करो। ध्रुव सी होगा, पर भैया मेरा 3.57 आ रहा है, प्लस चेक कहां गलती कर रहे हो तुम। मंथन बी, भारती बी, अनिकेत बी, बी, श्रद्धा बी, ओके, मैक्सिमम बच्चे आंसर कर रहे हैं बी। लेट्स चेक, फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, ये 15% अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल लॉस मतलब नॉर्मल लॉस, ठीक है। मेरा कॉस्ट होगा 3,000 रुपया परचेज प्राइस, 1,000 × 3 प्लस 400 रुपए का फ्रेट, ये भी जोड़ना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि ये भी मेरे कॉस्ट का पार्ट है। 3,400 डिवाइडेड बाई 1000 था टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस 150, इसका 15% माइनस नॉर्मल लॉस 150, 15% तो कितना रुपया आएगा, 4 रुपया आएगा, 4
आपका सही आंसर है बी, आपका सही आंसर है बी। नेहा क्या गलती किया चेक करो, ध्रुव क्या कर रहा था चेक कर। ये सब क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बेसिक फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। आगे चलते हैं 47। ये मैं ऑप्शन नहीं दिखा रहा हूं, पूछ रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट बिजनेस का प्रॉफिट लॉस किसका होता है, कंसाइनर कंसाइनी या दोनों बांटते हैं, कंसाइनर कंसाइनी या दोनों बांटते हैं। आपका आंसर बिल्कुल सही है सभी बच्चों का। आपने बोला सर कंसाइनर का होगा ये प्रॉफिट, बिल्कुल सही। रिटेन्ड एंड बोर्न बाय कंसाइनर, प्रॉफिट सिर्फ कंसाइनर का, कंसाइनी को सिर्फ कमीशन मिलता है, उसको प्रॉफिट में हिस्सेदारी नहीं मिलती है। वेरी गुड। 48। ये क्वेश्चन शायद उस दिन ग्रुप में डिस्कस हो रहा था। कमीशन कैलकुलेट करना है, मैं आपको अच्छा खासा टाइम देने जा रहा हूं, आराम से कीजिए आप, कोई हड़बड़ी नहीं है। कमीशन कैलकुलेट करना है, मिस्टेक आंसर नहीं आया अभी तक किसी का,
क्या हो गया? सेल्स वाला पार्ट में कंफ्यूजन हो रहा है। अभिनय बोल रहा है बी। देख आंसर तो देख ध्रुव, तेरा दिमाग ही बोलेगा 12,500 अगर आ चुका और उसके ऊपर कुछ है तो जो ऑप्शंस दिया हुआ है उसके हिसाब से तो आंसर बी ही होगा। ध्रुव थोड़ा समझ बात को, एग्जाम में अगर मान ले इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आंसर तो बी होगा, क्योंकि इतना चिंदी तुमको ऑप्शन दिया हुआ है वो, जिसमें एक ही करेक्ट हो सकता और कुछ करेक्ट नहीं हो सकता। लेट सी, मैं ये क्वेश्चन पूरा करके दिखाता हूं अच्छे से। 500 रेडियोस 200 रुपया ईच भेजा डी को। ऑल दी रेडियोस आर सोल्ड, ऑल रेडियोस आर सोल्ड, ठीक है। बाय डी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, 200 का 25% ऑन कॉस्ट, यानी 200 का चीज 25% प्रॉफिट पे बेचा तो 50 रुपया जोड़ के 250 में बेचा। सेलिंग प्राइस 250 रुपया, सेलिंग प्राइस 250 रुपया, वेरी गुड अभिनय। आगे डी इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 25 रुपया पर रेडियो, 25 रुपया पर रेडियो मतलब 500 × 25, 12,500 तो वो कमीशन मिलेगा, ऑर्डिनरी कमीशन 12,500 ऑर्डिनरी, प्लस 20% ऑन ग्रॉस सेल प्रोसीड्स एज एक्सीड्स एन अमाउंट ऑफ कैलकुलेटेड 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, यानी 20% प्रॉफिट से जितना ऊपर दाम में बेचा। नॉर्मली मैं बता रहा हूं, इससे पहले वाला क्वेश्चन यही था, अगर 200 रुपए के ऊपर, सुनना ध्यान से, अगर 200 रुपए के ऊपर 20% प्रॉफिट जोड़ के बेचता तो कितने में बेचना चाहिए था? 240, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, बट वो बेचा कितने में? 250, यानी कितना एक्स्ट्रा? 10 रुपया एक्स्ट्रा में बेचा। अगर 10 रुपया एक्स्ट्रा में बेचा तो बोल रहा है उस एक्स्ट्रा के ऊपर हम लोग तुमको 20% कमीशन देंगे, 20% ऑन ग्रॉस सेल प्रोसीड्स, ग्रॉस सेल मतलब टोटल सेल्स, एज एक्सीड्स एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, यानी 20% प्रॉफिट के ऊपर जितना तुमने बेचा है उसके ऊपर हम तुमको क्या देंगे? 20% कमीशन देंगे। तो ध्यान दो इधर, अगर 20% पे बेचता तो 240 में बेचना होता, बट वो बेचा कितना? 250 में, तो 10 रुपया एक्स्ट्रा, 500 × 10 रुपया × 20% का कमीशन, यानी 5,000 पे 20% 1,000, टोटल कमीशन हो गया 13,500। मैं हट जाता हूं, टोटल कमीशन हो गया 13,500, वापस बोल देता हूं, प्लस 20% ऑफ ग्रॉस सेल्स प्रोसीड्स As exceeds an amount calculated at 20% on profit on cost, मतलब अगर आप 20% profit, मेरा इच्छा था, consigner का इच्छा था, consignee cost के 20% ऊपर बेचे, cost के 20% ऊपर बेचे, यानी 200 का माल 240 में बेचे, एकदम basic, इसको invoice value भी बोल सकते हो, मेरा इच्छा था ये, minimum selling price। अगर तुम उससे ऊपर में बेचा है तो उस एक्स्ट्रा के ऊपर हम तेरे को 20% कमीशन देंगे। तो हम बेचने बोले थे 240 पे, वो बेच दिया 250 पे, तो जो एक्स्ट्रा 10 रुपया उसने लाया उसके ऊपर उसको 20% कमीशन देंगे, यानी 2 रुपया कमीशन देंगे, 500 यूनिट पर टोटल हो गया 1,000 रुपया। एक बार इस बात को समझने का कोशिश करो, हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन 13,500, 13,300, 14,000, 15,000 दे दे, तो उस समय तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट में यही बोल रहा है, आपने जो गुड्स बेचा अगर वो कॉस्ट के ऊपर 20% प्रॉफिट जोड़ के उससे भी ऊपर बेचा है, 240 तक बेचा है तो 25 रुपया करके दूंगा सिर्फ, उससे ऊपर बेचा तो जितना एक्स्ट्रा बेचा उसके ऊपर 20% कमीशन तुमको और दूंगा, ये क्वेश्चन का कहना है। एक बार चेक करो ये क्वेश्चन, और अगर आप लोगों को लगता है कि अच्छा क्वेश्चन है प्लीज ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट इसका। अभिनय समझ में आया? तुमको मैंने बोला कि तुम 20% प्रॉफिट जोड़ के बेचो,
अगर तुम उससे ऊपर में बेचोगे तो एक्स्ट्रा 20% दूंगा उस एक्स्ट्रा पे। आगे चलूं, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, मेरे बुक का भी क्वेश्चन है ये, मेरे बुक का क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। वापस टाइम दे रहा हूं, सारे बच्चे कैलकुलेट करेंगे, ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा आपको। कमीशन कैलकुलेट करना है, एक आंसर आ गया 10,200। सर्वेश आंसर दे रहा है 10,200। अभिनय 10,400। बढ़िया क्वेश्चन है ये, कमीशन कैलकुलेशन का अच्छा क्वेश्चन है ये। सर्वेश 11,400। ध्रुव 11,140।
नेहा 13400 दीपिका 10500 सबका आंसर अलग अलग आ रहा है मतलब हमको ही करना होगा। ऑप्शंस दिखा देता हूं चलो आंसर्स के हिसाब से तो सिर्फ एक लिपिका का टैली हो रहा है बाद बाकी सबका नन ऑफ दी अबव। उदय का भी 10500 चलिए मैं करता हूं ये क्वेश्चन आपके लिए ऑप्शंस हटा रहा हूं एक बार। 100,000 का गुड्स भेजा एट इनवॉइस प्राइस 20% अबव कॉस्ट तो 100,000 कॉस्ट है इसके ऊपर 20% जोड़ के इनवॉइस प्राइस हो गया 120,000 टोटल गुड्स का इनवॉइस प्राइस 120,000। पहले यह बात समझने का टोटल गुड्स का इनवॉइस प्राइस 120,000 कमीशन 5% ऑन टोटल सेल्स अप टू इनवॉइस प्राइस इनवॉइस प्राइस तक 5% उससे ऊपर 20% ओवरराइडिंग कमीशन इनवॉइस प्राइस तक 5% उसके ऊपर 20% फिर 2% डेल क्रेडिटर कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स बोल दिया है बोल दिया तो झगड़ा मत करना टोटल के ऊपर बोल दिया है ठीक है। सिंघम कुमार ने बेचा 25% गुड्स फॉर कैश एट 40,000 इसका 25% अगर मैं तुमसे इनवॉइस प्राइस के हिसाब से पूछूं तो 30,000 का गुड्स वो बेचा 40,000 में 30,000 का गुड्स वो बेचा 40,000 में फिर बोला 50% ऑफ द गुड्स यानी 60,000 का गुड्स 70,000 में ये क्रेडिट सेल्स और 10% वो अपने पास रखा एट इनवॉइस वैल्यू यानी 12,000 का गुड्स वो अपने पास रखा इस पर भी कमीशन देना पड़ेगा इस पर भी कमीशन देना पड़ेगा वो चाहे बाहर बेचो चाहे अपने पास रखो वो कमीशन लेगा और वो उसके पैसे भी आपको देगा उसके पैसे भी वो आपको देगा। अब एक बार ट्राई करो ना कैलकुलेट करने का ये इनवॉइस प्राइस ये सेलिंग प्राइस अब एक बार ट्राई करो कैलकुलेट करने का पढ़ के अच्छे से कमीशन का लाइन दस पांच सौ कैसे कर रहे हो ऐसे ऐसे करके देखो देख के ध्यान से पहला 30,000 के ऊपर 5% अप टू इनवॉइस प्राइस एक्स्ट्रा के ऊपर 20% 10,000 के ऊपर 20% ये इसका कंप्लीट पहला वाले का कंप्लीट फिर दूसरे में 60,000 के ऊपर 5% ऑर्डिनरी डेल क्रेडर 10,000 पे 20% सॉरी डेल क्रेडर नहीं इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग 10,000 पे 20% और क्या हो गया और 70,000 के ऊपर क्रेडिट सेल्स 2% 70,000 के ऊपर 2% क्रेडिट सेल्स के ऊपर इधर तीन कमीशन आ गया तीन कमीशन और फिर बोला ये 12,000 के ऊपर नॉर्मल 5% अप टू इनवॉइस प्राइस 5% ऑर्डिनरी कमीशन फिर उससे ऊपर 20% ओवरराइडिंग क्रेडिट सेल में 2% अलग से डेल क्रेडर। एक बार आंसर आप लोग खोज लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मैं ये सब हटा देता हूं फॉर योर स्क्रीनशॉट पर्पस। आंसर आ गया क्या आपका आंसर है क्या हो गया आंसर है 10,500
जो आ रहा है कैलकुलेट करके, 1500 और 2000, 3500, 3000, 6500, 2000, 8500 और 1400, 9900 और 600, 10500। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, ये मेरी बुक का क्वेश्चन है। ये सब एक मिनट में, उदय हर क्वेश्चन एक मिनट में हो ऐसा जरूरी क्यों है? ट्रेन थोड़ी छूट रहा है तेरा। वैसे भी एक चीज बताऊं, 100 क्वेश्चन में तेरे को 120 मिनट दिया गया है, 2 घंटा, मतलब 1.2 मिनट। पहला बात, 1.2 मिनट, 1 मिनट 12 सेकंड। दूसरा बात, मैंने जो पहले भी बोला था, मैं एक बार अपने आप को ले आऊं क्या बाहुबली? दूसरा बात जो मैंने आपको पहले भी बोला था, थ्योरी क्वेश्चंस विल सेव योर टाइम। तो जब आप वहां पे 5 सेकंड 10 सेकंड में आंसर करोगे तो वो कितना टाइम अक्यूमुलेट होगा सोच के देखो आप। तो डोंट वरी अबाउट कि एक क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, एक क्वेश्चन में कम, और जरूरी थोड़ी एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। ये तो मैं करवा रहा हूं थोड़े अच्छे क्वेश्चंस ताकि आप रेडी रहो उन सब चीजों के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन जो आएंगे वो आपको दिखेंगे कि इट्स वेरी इजीली मैनेजेबल। मैं आपको एक बेसिक बात बोलता हूं, आप इंस्टीट्यूट के लास्ट 5 टर्म के पेपर देखो ना, एमसीक्यू का लेवल देखो ना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन, नंबर वन, आपको दूसरे जो थ्योरी में टाइम बचेगा वो इसमें आपको यूज हो जाएगा। नंबर टू, कुछ क्वेश्चन में तो टाइम ज्यादा लगेगा ही, ऐसा थोड़ी है कि आप सब क्वेश्चन फटाफट कर देंगे, फिर तो हर बच्चे का 100 में 100 आना शुरू हो जाएगा। वही तो एक खास बात होता है, किस बच्चे ने प्रैक्टिस किया है, किस बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं किया है, और यहीं पर डिफरेंस आपको दिख जाएगा। तो प्लीज ये सब टेंशन मत लीजिए आप लोग कि सर कैसे होगा एक मिनट के अंदर। यू नीड नॉट सॉल्व एवरी क्वेश्चन इन 1 मिनट। You'll save time at other places and you'll invest time on these places. अपने आप काम हो जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है, कोई डरने का बात नहीं है, है ना? क्या बात? This completes my practice session 3. जो consignment वाला बात था, this completes my practice session 3. ये practice session 2 का 3 का part 2 समझ लो आप, यहां पे complete हो गया। क्या कंसाइनमेंट के क्वेश्चंस करके मजा आया आप लोगों को? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं बहुत, और इतना अच्छा क्वेश्चंस होता है ना कि आपको दिमाग माग सब चलाना पड़ता है साथ में। ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा, यू हैव टू थिंक ऑन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलिए गुड, ये अपने कंप्लीट हो गया। कॉस्टिंग वाला पार्ट स्टार्ट करें, कॉस्टिंग वाला पार्ट स्टार्ट करें। मैं एक बार मीट चल रही है गूगल मीट, मैं एक बार वीडियो चेंज कर रहा हूं ताकि कॉस्टिंग का प्रैक्टिस सेशन 4 में वीडियो आ जाए, आप लोग इजीली देख पाओ। चलिए